मालिक का बहुत साफ मानना है कि जो नई नियमावली के तहत पुराने शिक्षकों की परीक्षा ली जा रही है वो अतार्किक है और गलत है। तमाम नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए और इसमें माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से हम कहना चाहेंगे कि आप स्वयं हस्तक्षेप करके इस मामले को समझ लीजिए और जल्द से जल्द शिक्षकों के साथ न्याय कीजिए। लगातार शिक्षकों की जो मांग है उस पर सरकार ने रुख साफ कर दिया है कि नहीं सुनने वाले हैं, लाठी चार्ज की जा रही है। माले का क्या स्टैंड है सर, शिक्षकों के मुद्दे पर लगातार आप लोग बोलते आए हैं, उनके समर्थन में खड़े रहे? देखिए, माले का बहुत साफ मानना है कि जो नई नियमावली के तहत पुराने शिक्षकों की परीक्षा ली जा रही है वो अतार्किक है और गलत है। सरकार ने जब अलग अलग जिलों में लेटर भेज करके ये कहा कि हमें रिक्तियां दीजिए, कितना रिक्ति है, तो उस समय जो कैटेगरी बनाया था सरकार ने वो था कि परमानेंट टीचर कितने हैं, नियोजित शिक्षक कितने हैं और खाली पद कितने हैं। तो जब आप नियोजित शिक्षक को कार्यरत में गिनती कर रहे थे और खाली पदों की मांग कर रहे थे, तब आप उन्हीं खाली पदों पर उसी नियोजित शिक्षक को क्यों ला रहे हैं? अगर आपको नियोजित शिक्षक की ही परीक्षा लेनी थी तो आप 1,70,000 ये और 4,00,000 उनका, आप 5,70,000 बहाली लेकर के आते, तब ना हम समझते कि उनके लिए भी आप पद रखे हैं। अब 4,00,000 शिक्षकों के लिए आप 1,70,000 पद रखे हैं, 6 to 8 के जो शिक्षक हैं उनके लिए कोई पद नहीं रखे हैं, तो इसमें कोई सर पैर नहीं। आप क्या हासिल करना चाहते हैं परीक्षा को लेकर के, कोई मतलब नहीं। बीमारी कहीं और है, इलाज कहीं और चल रहा है। बीमारी है कि मान लीजिए स्कूल में ठीक से पढ़ाई नहीं हो रही है, तो इनको लग रहा है कि अब शिक्षकों को परीक्षा देना पड़ेगा। फेल करेंगे तब भी तो वो उसी स्कूल में जाएंगे। इसीलिए हम लोग शुरुआत से ये बात कह रहे हैं कि बगैर किसी शर्त के तमाम नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए और इसमें माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से हम कहना चाहेंगे कि आप स्वयं हस्तक्षेप करके इस मामले को समझ लीजिए और जल्द से जल्द शिक्षकों के साथ न्याय कीजिए। क्या लगता है कि जब दूसरी पारी महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार खेल रहे हैं तो फिर वही हालात हैं, बाकी दलों के नेताओं की नहीं सुनी जा रही? हम लोग तो लगातार कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सुनी ही नहीं जा रही है, इस पर भी बातचीत हुई है, लेकिन अब कुछ लैक है, कुछ तो कमी है। हमने एकदम शुरुआत में कहा था कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए, कोई भी सरकार पॉलिसी लेकर के सोचे तो कोऑर्डिनेशन कमेटी में उस पर चर्चा हो जाए, तो वो अभी तक नहीं हुआ। तो ये कुछ तो कमियाँ ज़रूर है और हम लोग तो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई इसको ठीक किया जाए। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।